नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमने एक पहली वीडियो बनाई थी अपने खेत पे, जो बनाई थी मूंग की खेती से रिलेटिव, वही उसका ये दूसरा पार्ट है। आज हम फिर से अपने उसी खेत पर आए हुए हैं जो हमने पहली वीडियो में आपको खेत दिखाया था। उस दिन तो मैं अकेला आया था, लेकिन आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए हुए हैं। ये देखो, मैं दिखाता हूँ, थोड़े दूर है मेरे से, और जो वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं आपको, वो मेरे बड़े भाई हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं अभी आपको। उस दिन मैं आया था साइकिल से अकेला, लेकिन आज आए हैं हम अपनी बाइक से। ये हमारी बाइक है, उसको बड़े भैया चला के लेके आए थे। चलते हैं हम अपने दूसरे छोर की तरफ। ये था हमारा पहला छोर, ये है दूसरा छोर। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से मूंग दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, उस दिन तो मैंने आपको कच्ची कच्ची दिखाई थी, आज ये देखो पकने भी लगी है, काली काली होने लगी है। तो ये जगह जगह पौधों पे काली काली फली आने लगी है। ये देखो, काफ़ी लंबी लंबी फली है ये, और ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो काले काली फली है, ये सब पकने लगी है। जब जब ये अच्छे से पूरी खेत में काली काली मूंग हो जाएगी, काली काली फली हो जाएंगी, तो इन फलियों को हम यहाँ से तोड़ के अपने घर लेके जाएंगे। तो आज का नज़ारा ये था। शाम का टाइम हुआ है, और आज वही शाम के 6:30 बजे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, शाम के वही आज 6:30 बजे हुए हैं। और ये खेत देखो, मूंग की फली अच्छी ठीक ठाक निकल रही थी। पूरे खेत में तो खैर नहीं हुई है, कुछ ही हिस्से में हुई है, बाकी सब ये घास वाला जो बोलते हैं ना, बिस्कपरा, वही घास है ये। ज़्यादा कुछ इतना अच्छी मूंग इसमें हो ही नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और ये देखो, हमारे खेत की तरफ काफ़ी कुछ लोग भी आए हुए हैं खेत पे घूमने। ज़्यादातर लोग शाम को अपने अपने खेतों में घूमने आते हैं, हम भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये सब मूंग सब ढकी हुई है इस घास से, जो बिस्कपरा वाली घास होती है, सब ढकी हुई है। ये देखो, इसमें फूल अभी भी काफ़ी चल रहा है, अच्छे तरीके से फूल चल रहा है। खेत में काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और चलते हैं हम अपनी बाइक के पास। उस दिन तो हम साइकिल से आए थे, लेकिन आज आए हैं बाइक से। तो चलो आपको बाइक दिखाते हैं, अपनी होंडा वालों की आईसा केवल साइन वाली गाड़ी है। ये है हमारी बाइक, ये हमारी बाइक है। मुझे चलानी नहीं आती, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, मेरे बड़े भैया हैं वही लेके आए हैं। जगह जगह से कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। चलो आपको वही धान वाली चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों, ये ढेंचा की खेती है। ढेंचा की जो एक दाल होती है, जो जेली लोगों को ज़्यादातर जेल में खाने के लिए देते हैं, ढेंचा की दाल, तो ये वही उसकी खेती है ढेंचा की। दोस्तों, ये देखो धान की पौध जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी, पहले छोटी थी, अब देखो काफ़ी बड़ी होने लगी है। ये देखो, काफ़ी बड़ी होने लगी है।
जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी होने लगी है। दोस्तों ये एक शाम का नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इधर आता हूँ तो मुझे ये इसकी ये सीन काफ़ी अच्छा लगता है इवनिंग टाइम का। मुझको ये बार बार शूट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों चलते हैं घर की तरफ, खेत पे आए हुए हैं, घर भी जाना है क्योंकि शाम का समय हो चुका है, तो निकलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं एक बार फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।